के लिए प्रयास करते हैं, लगातार कोशिश करते हैं, विकास के कामों को आगे बढ़ाते हैं। आदरणीय भरत चौधरी जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, श्री महावीर सिंह पवार जी जिला पंचायत अध्यक्ष, अमरदेवी शाह जी लोकसभा के, पूरे गढ़वाल लोकसभा के संयोजक श्री विजय कपड़वाण जी, विधानसभा प्रभारी शकुंतला जगवाण जी, जिला प्रभारी ऋषि कंडवाल जी, सुमन तिवारी जी, अजेंद्र जी, पूर्व अध्यक्ष हमारे श्री दिनेश उनियाल जी, अभी जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी, भाई कुलदीप रावत जी, प्रसिद्ध व्यवसायी हमारे श्री मोहन काला जी, सर, महिला मोर्चा की अध्यक्ष सविता भंडारी जी, महिला मोर्चा प्रदेश की सरला खंडूरी जी, अरुण चमोली जी, हमारे छात्र संघ की अध्यक्ष बहन एवं सभी मंडलों के, हमारे मंडलों के सभी पदाधिकारी, सभी प्रदेश मंडल अध्यक्ष, जिला पदाधिकारी, समस्त पंचायतों के प्रतिनिधि, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, सभी मोर्चों के, अनुसूचित मोर्चा, सभी मोर्चों के आए हुए हमारे सभी पदाधिकारीगण, और इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पधारी हमारी मातृशक्ति माताएं बहनें, हमारे सभी बड़े बुजुर्ग नौजवान साथियों, उपस्थित हमारे मीडिया के सभी बंधु, मैं सबसे पहले तो आप सबका आज इस सभा में यहाँ आने के लिए, यहाँ पधारने के लिए आप सबका मैं अपनी ओर से, भाई अनिल जी की ओर से बहुत स्वागत करता हूँ, आपका सबका अभिनंदन करता हूँ, और बाबा केदार की इस भूमि को प्रणाम करता हूँ, सीध झुकाकर उनको नमन करता हूँ। भाइयों बहनों, हमने बहुत सारे जो लाल है इस वीर धरा ने भारत माता को दिए हैं। यहाँ हमारे बगल में माधव सिंह भंडारी जी का यहाँ इतना अच्छा सुंदर चित्र लगा हुआ है, उनको भी मैं नमन करता हूँ, इंद्रमणि बलोनी जी को भी नमन करता हूँ, और जिनके अनुसार ये देश चलता है, जिस संविधान से हमारा देश चलता है, देश की व्यवस्था चलती है, ऐसे भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को भी मैं नमन करता हूँ कि उनकी प्रेरणा से हम काम कर रहे हैं। हम सबको पता है कि 19 तारीख को मतदान होने वाला है। अब हर चुनाव में क्या होता है, हर चुनाव में होता है कि चर्चा चलती है देश में, अरे भाई सरकार किसकी बनने वाली है। ये पहला चुनाव ऐसा हो रहा है, इस चुनाव में कोई इस बात की चर्चा नहीं कर रहा है कि सरकार किसकी बनने वाली है, क्योंकि सबको पता है सरकार किसकी बनने वाली है। मोदी, जोर से बोलिए जरा, किसकी बनने वाली है? मोदी जी की बनने वाली है, सबको पता है। ऐसे ही ये मैं उत्तराखंड के एक कोने से दूसरे कोने में लगभग पिछले 4 महीने में